बातचीत वजीर आजम वगैरह को चाहिए कि हमारे पास पैगाम मुसलमानों को रोजे नहीं रखने दे रहे वो, ताकि हम उनको जाके उनको बताएं कि हम भी ईमान वाले लोग हैं। अच्छा, उनको भी मारे और अगर बात हमारे पे आए हम भी शहीद हो जाएंगे, ऐसी कोई मसला नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप लोग मुत्तहिदा पर आज भी इल्जाम लगा रहे होते हैं कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास इकदाम करने के लिए नहीं होते या फिर उनके पास कोई जवाब नहीं बचता तो फिर वो मुहाजिर कार्ड खेलते हैं। आपके सईद गनी साहब आए रोज ये कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुहाजिर कार्ड खेलती है। उन लोगों का वतीरा है कि जी उर्दू बोलने वालों के नाम को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है $6,000 का वाउचर बनाने की, किसकी है उसको बुलाएं, मुझे लिख के दे, मैं बाहर जाता हूं, लिख के दे, मैं बाहर जाऊंगा, लिख के दे, मैं बाहर जाऊंगा। मेरे आगे होटल की बुकिंग हुई हुई है, मेरे आगे रेंटल कार की बुकिंग हुई हुई है, आप मुझे वाउचर बना के दे, मैं जाता हूं अभी। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई खबर ही आ रही है, आप लोगों ने सुना ही था पाकिस्तान के आर्मी के पहले टैंक खड़े थे भाई, उनमें फ्यूल नहीं था। अब पीआईए सुना था आज भाई, देख भी लिया वीडियो में, जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी वहां पर जाकर हंगामे कर रहे हैं, उनको भाई अथॉरिटी को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। दूसरी खबर, भारत ने भाई चाइना को पीछे छोड़ दिया है, 50 बिलियन जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करके। पाकिस्तानी क्या रिएक्शन है, आप लोग क्या रिकमेंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो क्यों नहीं हो सकता भाई, यार पाकिस्तान ने मैन्युफैक्चरिंग हमारी हालत इतनी खराब, हम लोग जो अपनी सुइयां भी हम लोग अगर कुछ बनाते भी है ना तो हमारा सारा बाहर जाता है, ठीक है। और वहाँ पे बकायदा उन्हीं सिटीज के जो है ना वो उन्हीं कंट्रीज के टैग बनाकर लगाए जाते हैं और वो उन्हीं के नाम से जो है आगे परचेज किए जाते हैं, मतलब आगे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे अगर एक सुई भी जो है ना, हालांकि वो तो हमारे पुश्तों से चली आ रही है, लेकिन वो भी मेड इन पाकिस्तान के नाम से नाम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान अभी बड़ी चर्चा है दुनिया में, आज की एक बड़ी खबर आती है कि $50 बिलियन की उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल में कर लिया। आपको भी पता है कि चाइना जो है इस टाइम बूम की मार्केट है, चाइना के अंदर से भी ब्रांड्स उठ के इंडिया जा रहे हैं, क्या वजह है? वो इतने डेवलप कर रहे हैं, उनका एक बिजनेस बहुत ह्यूज बिजनेस इंडिया ने, इंडिया ने खुद को जरूरत बना ली है बाकी ममालिक की, बाकी ममालिक बकायदा गिर के भी जाने के लिए तैयार है उनके पास, लेकिन पाकिस्तान उसके मुकाबले में देख ले, पाकिस्तान कोई झूठे मुंह भी नहीं बुलाता, किसी लिस्ट में नहीं है। क्या वजुहत है भाई, हमें कोई मुंह नहीं लगाना चाहता, हमें लगाएंगे भी नहीं, वजुहत क्या पूछते हैं हम लोग, यार इतना तो पीछे हैं, एक ही टाइम में आजाद हुए हैं लेकिन आज वो कहाँ है, हम कहाँ पे हैं, वो आसमान, वो चांद पे हैं, हम जमीन पे बैठे हुए हैं। जो जालिम के जुल्म पे चुप हो जाता है, याद रखो कि वो भी जालिम ही कहलाता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हक को हमेशा कायम दायम रहना चाहिए, बातिल को तो मिटना है, मिट ही जाता है भाई, यही लेके कभी हमारे झंडे में चांद है, जमीन में भी हमारी हरकतें अच्छी हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में, यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है कश्मीर में, यूएई की गवर्नमेंट जो है एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है, एमआर ग्रुप की, एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे फैमिली स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है, दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम बच्चे थे उधर प्राइमरी के स्टूडेंट थे। ये सारी इंडस्ट्री का नेशनलाइज उसने बेड़ा गर्क करके कर दिया, उधर पाकिस्तान दुनिया का एशियन टाइगर था, ठीक है, बन रहा था एशियन टाइगर, बन चुका था जर्मनी और फ्रांस पाकिस्तान से कर, क्योंकि अमेरिकन सीआईए का वो प्लांटेड था, उसको टास्क दिया गया था। उसके बाद ना मुल्क में कोई डैम बना है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही थी कराची से लेकर पेशावर तक, वो जो बिजली के पोल लगे थे वो भी गायब हो गए, ठीक है, मुल्क का डिसिप्लिन ख़राब कर दिया, तालमी इदारे नेशनलाइज करने की वजह से आज आपके तालमी इदारों से पुलिस मुकाबले और जराइम पेशा लोग निकल रहे हैं, कोई स्कॉलर नहीं निकल रहा है, कोई साइंटिस्ट नहीं निकल रहा है, कोई आलम नहीं निकल रहा है, जितने ही आपके मुल्क के बड़े लोग थे बिफोर 70s के पैदावार थे, उसके बाद बिल्कुल ड्रॉ हेड है, ठीक है। दफ्तरों में, बैंकों में यूनियनों बाजी शुरू की, उसकी वजह से फैक्ट्री बंद है, इदारे बंद हैं, तनख्वाहें चल रही हैं, ठीक है, मजदूर उठ के मालिक को गाली बक रहा है, स्टूडेंट जो है उस्ताद को मार रहा है, बेटा बाप के सामने खड़ा है, ये भुट्टो साहब की तरबियत थी। 70s से लेकर आज के 2024 है, 3 नस्लें पैदा होकर जवान हुई हैं, वो इस गंदे कल्चर, इस गंदे सिस्टम में जवान हुई हैं, ठीक है। 70 तक पाकिस्तान में करप्शन, ये झाड़ी जुड़ी है ना, चपरासी क्लर्क लेवल कोई ऑफिसर क्लास नहीं करता था, उसने CSS का एग्जाम खत्म करके डायरेक्ट मैट्रिक पास लोगों को सेक्रेटरी और DG लगा दिया, तमाम बेड़ा गर्क किया है। अब वो ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि अभी तक, अब इधर 9 करोड़, अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आएगी, 9 करोड़ लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं, और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है, हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता, ये हमारी एहसास कमतरी है, ठीक है। लॉस एंजलिस अमेरिका का, एक कैलिफोर्निया सबसे अमीर स्टेट है, लॉस एंजलिस की मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहाँ पर भी हज़ारों लोग फुटपाथ पर सोते हैं, गरीब अमीर दुनिया के हर मुल्क में है, मेरी आधी फैमिली सिडनी में रहती है, ठीक है, वहाँ पर भी नशई या भिखारी रात को ना पुलों के नीचे सो रहे होते हैं, लोग उनको लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट बॉक्स दे जाते हैं, पैसा दे जाते हैं, ये एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। और बिल गेट ने क्या कहा था
कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है, अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपका कसूर है। आपने जिंदगी में मेहनत मुशक्कत नहीं की है, हडरामी की है, हमारी कौम हडराम हो गई। अब ये सिर्फ अच्छा, ये जो आपने मुझे सिनेरियो बताया है, अगर इसी चीज में हम भारत को रखें तो क्या कहते हैं, पहले जो बाइडेन ने उनको सैल्यूट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सैल्यूट किया। इसकी बेसिक रीजन ये है, नेहरू ने आइन बनाया, आज तक उस आइन में किसी ने अमेंडमेंट नहीं की है, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। जिस वहाँ पर जेन्युइन इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, किसी गवर्नमेंट ने कोई काम स्टार्ट किया, आने वाली हुकूमत ने उसका काम रोका नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि लेग पुलिंग है, भुट्टो की सारी अयूब की खान की सारी मौसी पॉलिसी का बेड़ा गर्क भुट्टो ने कर। तो भाई बात कर लेते हैं, देखिए भारत ने इस साल में 2023 की बात कर ले, यानी कि देखिए जो मोदी साहब की जो भारत को डिजिटलाइजेशन के लिए जो सपना लेकर चले थे, आज वो भाई यानी कि भाई ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर से भी ऊपर जा चुका है। देखिए आप किस किस चीज की बात करोगे, देखिए सबसे जो अच्छी चीज लेकर आए थे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यूपीआई, भीम, 19 देश आज भारत की ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज करे हैं, और जितने भी G20 में बात कर ले या फिर दूसरे देश से जितने भी उनके पीएम्स या फिर दूसरे जो भी उनके अधिकारी आते हैं तो वो सबसे पहले तो यूपीआई के दीवाने हो जाते हैं और अपने देश में यूपीआई चलाने के लिए सोचते हैं। भारत ने चीन को चुनौती देते हुए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कराया, अन्य देशों को भारत एक्सपोर्ट भी मोबाइल इस समय कर रहा है, यानी कि जो आते थे चाइना से क्या बचे हैं, वीवो ओप्पो वगैरह ये बचे हैं, इनको भाई भारत एक तरफ करके भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगा। और देखिए जो अभी मुंबई में भी एप्पल का स्टोर लगा था उसमें भारतीय ही काम करेंगे, और 22% जो है एक्सपोर्ट कुल मोबाइल किए गए हैं, और देखिए कितने किए गए अब तक, 45,000 करोड़ के मोबाइल भारत ने 2023 में एक्सपोर्ट किए हैं, यानी कि दूसरे देश में भेजे हैं। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया का असर है, इस साल अप्रैल से लेकर अगस्त तक 45,000 करोड़ रुपए के मोबाइल का एक्सपोर्ट हुआ है। इंडिया सेलर एंड यानी ICEA की रिपोर्ट की आई है उसमें इतने का हुआ है, और अप्रैल अगस्त के दौरान $5.5 बिलियन का मोबाइल जो है एक्सपोर्ट हुआ है दूसरे देश में, यानी कि दूसरे देश से इतना पैसा भारत के अंदर आ रहा है जिसे भारत की इकोनॉमी इतनी ग्रोथ कर रही है, इतनी यानी कि वर्ल्ड में है जो अभी जो लो चला हुआ है कोविड के बाद, भारत फिर भी एक्सपोर्ट करके इससे बहुत ज्यादा तादाद में पैसे कमा रहा है, और वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले करीबन $2.2 बिलियन ज्यादा है, यानी कि जो 2022-23 से लेकर 2023 अप्रैल से लेकर 5.5 बिलियन उससे ज्यादा किया है, और इस दौरान एप्पल लीडिंग ब्रांड रहा है भारत में, सबसे ज्यादा जो है मुंबई में जो स्टोर बना था वहां पर, और भारत के अंदर जो एप्पल मैन्युफैक्चर